नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर डीएम को देनी होगी अर्जी, सदन पटल पर रखा गया ये विधेयक। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण पर सजा सख्त और जुर्माने का प्रावधान किया जा रहा है। कानून अस्तित्व में आते ही जबरन धर्मांतरण गैर जमानती हो जाएगा, साथ ही 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। वहीं सामूहिक धर्मांतरण में दोष साबित होने पर 3 से 10 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना दिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 2 महीने के भीतर जिलाधिकारी को अर्जी देनी होगी। धर्म परिवर्तन करने की अर्जी देने के 21 दिन के भीतर संबंधित व्यक्ति को डीएम के समक्ष पेश होना होगा। सड़क के नाम पर हो रहा है सरकारी धन का दुरुपयोग, कुछ ही दिनों में उखड़ने लगा पालाग्रस्त क्षेत्र में हॉटमिक्स। सरकारी धन का दुरुपयोग किस तरीके से किया जाता है इसकी प्रत्यक्ष झांकी। गंगोलीहाट रायागर मोटर मार्ग में हॉटमिक्स और सड़क सुधारीकरण कार्य में देखने को मिल रही है, जहां पर एनएच के द्वारा 19 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है, जिसमें मानकों को ताक में रखकर पालाग्रस्त क्षेत्र में हॉटमिक्स और नियमों को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। जहां पर पूर्व में किया गया हॉटमिक्स उखड़ना शुरू हो गया, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने डीएम से शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने जांच टीम का गठन किया और जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। जिस दिन वो जांच टीम आई थी उस दिन भी मैंने ये पॉइंट तहसीलदार साहब जी से बोला था कि यहाँ पर जो एक देर रात्रि तक डामरीकरण का कार्य कर रहे हैं। देखिए, कोई आजकल एक तो ठंडे का समय है, ऊपर से वो पूरा एरिया पालाग्रस्त एरिया है, उस एरिया में 7:30-8 बजे तक ये लोग डामरीकरण का कार्य कर रहे हैं। वो टिकेगा भी तो कैसे टिकेगा? सबसे पहले तो हमने कहा कि आप इस कार्य को रोक दो, और जब भी अगर काम करते हो तो जब धूप खिलती है उस हिसाब से काम करो। पता नहीं इनको किस बात की जल्दी है। राई आगर और गंगोलीहाट रोड जो है वो एनएच के पास आई हुई है और एनएच जो है उस पर मरम्मत का कार्य कर रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण रोड है और इसमें जो है 6 जिला पंचायत सदस्य के द्वारा शिकायत की गई थी, जिस पर जो है हमारे द्वारा एक टीम गठित की गई और उनके द्वारा जांच करके जांच रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है। हमने जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया है और पाया है कि जाँच रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गुणवत्ता युक्त डामरीकरण नहीं किया गया है, और साथ ही साथ जो पुलिया और कलवट बनाए गए हैं उसकी भी लैब जांच की जानी आवश्यक है, तथा चौड़ाई और डिजाइन जो है वो डीपीआर के अनुरूप ही रखी गई है, और इनके द्वारा जो है ये पालाग्रस्त वाले क्षेत्र में भी डामरीकरण किया गया जो कि उचित नहीं है। तो हम दंडात्मक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित कर रहे हैं। शीतकाल में वन्य जीवों की हलचल पर रहेगी नजर। गंगोलीहाट नेशनल पार्क में लगेंगे 40 ट्रैप कैमरे। शीतकाल में वन्य जीवों की हलचल पर नजर रखने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क में 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दें, 30 नवंबर को पार्क को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और ऐसे में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पार्क के अंदर 40 ट्रैप कैमरे लगाए जाएंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क देश का तीसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो कि 1553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह पार्क हिम तेंदुआ, अर्गली भेड़, भूरा भालू और लाल लोमड़ी सहित कई दुर्लभ जीवों का घर है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को पार्क क्षेत्र के गेट पर्यटक और पर्वतारोहियों के लिए खोल दिए जाते हैं और 30 नवंबर को बंद कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। गोत्री से गौमुख जाने वाले पर्यटक लगभग इस वर्ष 13,500 के समथिंग लगभग गए हैं, और जो अभी हमारे यहाँ पे स्नो लेपर्ड या ब्राउन बियर और अर्गली भेड़े रेड फॉक्स आदि उच्च हिमालय में खूब दीदार होता है इन चीज़ों का, और इसी देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। धन्यवाद।
रिकॉर्ड जमा नहीं करने पर पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं होगी जेल, सदन के पटल पर रखा गया विधेयक। उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 संशोधित विधेयक सदन के पटल पर रखा गया। इसके तहत विभिन्न धाराओं में लघु उल्लंघनों पर कारावास की सजा दिए जाने संबंधित व्यवस्थाएं संशोधन किया गया है। इसके तहत अर्थदंड का प्रावधान यथावत रखा गया है, जबकि जेल भेजे जाने का प्रावधान हटा दिया गया है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।